एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि ताचिबाना के क्लासमेट्स आपस में बात कर रहे हैं और ताचिबाना हमेशा की तरह अकेले बेंच पे सर रख के कुछ सोच रही होती है। उनकी बातों के बीच में ताचिबाना अचानक उनसे कहती है कि वो उन लोगों से कुछ पूछना चाहती है, तो वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम हमसे एडवाइस मांग रही हो? ऐसा पहली बार हो रहा है, पूछो पूछो, ज़रूर पूछो। पर ताचिबाना फिर से कुछ सोच के कहती है, नहीं कुछ नहीं। और वो लोग ये सुन के उस पर गुस्से से चिल्लाने लगती है, पर ताचिबाना उन्हें इग्नोर करती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद जब वो काम के लिए निकल रही होती है, तब उसे रास्ते में उसकी ट्रैक टीम की एक फ्रेंड से बहुत दिनों बाद मुलाकात होती है। तो वो कहती है कि अच्छा हुआ उसे ताचिबाना मिल गई, वो नेक्स्ट ट्रैक मीट में हिस्सा लेने वाली है। तो वो बहुत टेंशन में है और चाहती है कि ताचिबाना उसे थोड़ी सी गाइड कर दे, इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करके फील्ड में लेके जाती है। तो वहाँ उसकी हारुका से मुलाकात होती है। हारुका उसे देख के थोड़ा चौंक जाती है और फिर एक दूसरे को ग्रीट करती है। ताचिबाना वहाँ बैठ के उनको प्रैक्टिस करती हुई देखती है तो उसे उसकी प्रैक्टिस के दिन याद आने लगते हैं। और साथ में ये भी याद आती है कि वो और हारुका कितनी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। उसे ये याद आते ही वो वहाँ से जाने के लिए उठती है, तो वो लोग उसे उनके साथ प्रैक्टिस के बाद खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। पर जब वो मना करती है तो वो लोग उसे उसकी पार्ट टाइम वेट्रेस वाले जॉब को लेके मजाक उड़ाने लगती है और वो गुस्से से उनको कहती है कि बस बहुत हुआ। फिर एकदम से उसे लगा ऐसा बिहेव करना ठीक नहीं हुआ, तो वो सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती है। पर उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी बारिश भी होने लगी। वो बारिश में आंसू छुपाती हुई रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगी और उन यादों के बारे में सोचने लगी कि कैसे चोट लगने के कारण डॉक्टर ने उसे ट्रैक टीम छोड़ने को कहा था। इधर रेस्टोरेंट में मैनेजर काम कर रहा था, फिर थकान दूर करने के लिए एक सिगरेट लेके विंडो के पास खड़ा होता है, तो वहाँ उसे ताचिबाना दिखाई देती है। तो मैनेजर उसे ऐसे बारिश में भीगती हुई देख के अंदर आने को कहता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है। पर ताचिबाना उसके किसी भी सवाल का जवाब ना देती हुई चुपचाप खड़ी होती है और फिर कुछ पल आँखें बंद करके हिम्मत जुटा के मैनेजर को उसके दिल की बात साफ साफ बयां करती है कि वो मैनेजर से बहुत प्यार करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ताचिबाना की बात सुन के मैनेजर आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस वहाँ चुपचाप खड़ा रहा और सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन मैनेजर सोच में डूबा हुआ था कि वो ताचिबाना को कैसे फेस करेगा। पर ताचिबाना काम पे कुछ इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारे स्टाफ ताचिबाना से मिलते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि वो लोग उसे बहुत मिस किए। ताचिबाना की इस नॉर्मल बिहेवियर से मैनेजर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। फिर सोचता है कि वो कोई ड्रीम तो नहीं था, यह सब मिलके उनके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा, नहीं तो एक 17 इयर्स की लड़की 45 इयर्स के आदमी से क्यों प्यार करेगी। और सोचने लगता है कि पक्का योशीजावा ने उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड किया होगा और फिर सब उस पे हंस रहे होंगे। ये सोच के मायूस हो जाता है और थोड़ा गुस्सा भी करता है कि ऐसे प्रैंक क्यों किया उन लोगों ने। फिर ऑफिस रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ मैनेजर काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहा था पर नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वही प्रैंक वाली बात घूम रही थी। तभी ताचिबाना मैनेजर को आवाज देती है पर मैनेजर उसे अनसुना कर देता है। तो ताचिबाना चेयर से उठ के उसके पास आके खड़ी होती है और कहती है कि उसकी मॉम को मैनेजर का दिया हुआ गिफ्ट पसंद आई
और उन्होंने मैनेजर को थैंक यू कहा। पर मैनेजर मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा था और सोच रहा था कि जस्ट बिकॉज वो 45 इयर्स के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब उनका मजाक उड़ाएंगे ऐसे। फिर ताचिबाना फिर से एक बार उसे कहती है कि कल जो भी उसने कहा वो सब सच है और वो जानना चाहती है कि मैनेजर उसके लिए क्या फील करता है। तभी वहाँ निशिदा आती है और ताचिबाना से शाम को योशिजावा के वेलकम पार्टी में आने को कहती है, पर ताचिबाना मना कर देती है। ये कह के कि उसकी चोट अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और उसे फीवर भी है। तो निशिदा उसे कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्टी ज़रूर साथ में अटेंड करेंगे बोल के चली जाती है। मैनेजर सोचने लगता है कि ये कोई ड्रीम नहीं था या फिर कोई प्रैंक भी नहीं था। फिर वो ताचिबाना को कहता है कि वो उसे उसकी कार से उसके घर के नियरेस्ट स्टेशन तक छोड़ देगा। फिर वो लोग कार से निकल जाते हैं और रास्ते में मैनेजर ताचिबाना को कहता है कि ताचिबाना जैसा जवाब मांग रही है वैसा जवाब वो दे नहीं सकता, क्योंकि ताचिबाना को भी शायद पता हो कि वो 45 इयर्स का है और वो उसके पापा के एज की है और लोग भी बुरा सोचेंगे। तो ताचिबाना गुस्से से कहती है कि लोग क्या सोचेंगे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसके एज से पड़ता है। पर फिर भी जब मैनेजर बार बार समझाने की कोशिश करता है तो वो गुस्से में कार रोकने को कहती है। फिर वो दोनों थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए एक गार्डन में जाते हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी इसलिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं। ऐसे सिचुएशन में मैनेजर उसे पूछता है कि वो क्यों उसे पसंद करती है, क्योंकि सेम एज के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, पर 45 इयर्स के आदमी से प्यार करने की कोई तो रीज़न ज़रूर होगी। पर ताचिबाना कहती है कि उसके पास कोई रीज़न नहीं है, वो बस उसे दिल से प्यार करती है, उसे मैनेजर की हर एक चीज़ पसंद आती है। उसकी बातें सुन के थोड़ी देर के लिए मैनेजर खुद को उसकी एज का सोचने लगता है और फिर दर्द भरे इमोशंस के साथ ताचिबाना को समझाता है कि उसे दोबारा इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 45 इयर्स के मैनेजर की लाइफ बस इस डेड सिकेडा शेल की तरह है, ना ही कोई होप ना ही कोई ड्रीम, कुछ भी नहीं है। वो बस एक एम्प्टी मिडिल एज किड है। ये सुन के ताचिबाना मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मैनेजर ने खुद को अभी किड कहा और वो एक ही टाइम पे खुद को मिडिल एज और किड नहीं कह सकता, और हंसने लगी। मैनेजर गुस्से में कहने लगा कि नहीं, वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ रही है, अगर वो उसके साथ डेट पे जाएगी तब उसे पता चलेगा कि वो कैसा है। और ये सुनते ही ताचिबाना खुशी से पागल हो गई और कहने लगी कि इसका मतलब हम डेट पे जा रहे हैं। मैनेजर बिना समझे हंसने लगता है और फिर एकदम से होश में आके कहता है, क्या, नहीं नहीं हम नहीं जा रहे। पर ताचिबाना कहती है, अभी अभी आपने कहा कि हम डेट पे जा रहे हैं। तो मैनेजर के पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय हाँ करने की। फिर वो सोचता है कि उसने क्या कर दिया